मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप सब अच्छे होंगे और इस रेन को इंजॉय कर रहे होंगे, जो कि मैं अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से यार कंटिन्यूसली बारिश हो के मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर दिया है। 3 दिन मेरे एग्ज़ाम रहे हैं और 3 दिन लगातार बारिश हुई। मैं इतना भीगी हूँ गॉड ग्रेस कि मुझे मतलब कोई, मैं बीमार नहीं पड़ी, बुखार नहीं आया, वरना मैं कंटिन्यूसली 3 दिन बहुत भीगी हूँ। और अब बस मुझे लग रहा है यार अब थोड़ा सा मौसम खुल जाना चाहिए ताकि थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लगे। और आज मैं उठी हूँ 9 बजे, क्योंकि 3 दिन से मैं अच्छे से सो नहीं पा, 3 दिन से क्या, हफ्ते भर से मैं अच्छे से नहीं सो पा रही थी। और लाइफ में यार कुछ ही चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो मैं मम्मी से बोला कि मम्मी आज मैं थोड़ा देर तक सोने देना, और मम्मी ने भी देख रही थी तो उन्होंने भी जगाया नहीं। और सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी किसी ने चाय नहीं पी है, क्योंकि सुबह की चाय मेरे यहाँ मैं बनाती हूँ, तो मैं बस अब चाय बनाऊँगी और सबके साथ पीऊँगी। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। और स्पेशल क्यों होने वाला है, अगर मैं बोल रही स्पेशल है कुछ तो स्पेशल कुछ होगा ज़रूर, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चाय बना लूँ। मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है और बाहर बारिश भी हो रही है। बारिश का एक फ़ायदा तो होता है, बारिश में चाय पीने का जो अपना मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। और जितने भी चाय लवर्स होते हैं, जिनको मतलब जिनको चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, उनके लिए कोई मौसम मायने नहीं रखता है चाय के लिए, तो उनके लिए तो इस मौसम में चाय पीना लाइक अ पार्टी टाइप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश यार बहुत तेज़ हो रही है, ये देखो कितनी झमझम करके बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा वाली, और आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, बहुत तेज़ हो रही है। हर तरफ बारिश में गीला गीला, यही इंक्लूडिंग मैं जहाँ खड़ी हूँ, गीला। मुझे बस यही चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, हर जगह चिपचिप हो जाती है। और देखिए घर के पास नीचे तो निकलना ही लोगों का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मिट्टी के गार्डन्स हैं ये आंटी का, तो वो थोड़े से उनके थोड़े से क्या ज़्यादा ही स्लिपी हो गए हैं उधर वाली आंटी के भी। तो सब लोग बस घर में बैठे, देखो बारिश इतनी तेज़ दिखाई दे रही है, बहुत ज़ोर वाली हो रही बारिश। बस यार अब 3 दिन से हो गए, थोड़ा सा रुक जाओ, एक दिन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो हैप्पी रहते हैं ये प्लांट, देखें उनकी पत्ती का कलर, देखिए कलर के रहे, वाह वाह मज़ा आ रही है। और वो वाला हिबिकस में 2 फ्लावर निकले हैं और कली भी खूब सारी हैं, ये देखिए सुंदर है ना। और नीचे भी मनी प्लांट रखे हैं, ये सब नैन्सी ने यहाँ रख दी क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में इन्हें नीचे करके रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश में उन्हें अच्छा खासा पानी का इंटेक हो जाता है और वो बहुत हरे भरे हो जाते हैं, तो इसलिए नैन्सी ने उनको नीचे करके रख दिया है ताकि उनको बारिश का पानी मिल सके। तो बस मेरी चाय भी बन गई है, मैं चाय बनाते यहाँ चली गई थी, तो चलिए चाय पी लेंगे। गाइस दिन के 12 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है और खाना भी मैंने बना दिया है। ये बनी है काली मसूर की दाल और ये है चावल। रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि रोटियां हमने सोचा था तब बनाएंगे जब हम लोग खाएंगे खाना, तो गरम-गरम रोटियां खाएंगे, तो बस रोटियां बनाते हैं खाते हैं। और अभी मुझे कहीं जाना है बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ जाना है, लेकिन पहले से पहले खाना को प्रिपेयर कर लें और खा लें, फिर मैं आपसे। आज का है ये सिंपल सा घर का खाना और मैं जा रही हूँ अब लंच करने, तो आइए सब फ्रेंड्स लंच करते हैं। पानी बंद ही नहीं हो रहा है यार, मुझे बाहर जाना था और ये पानी अब भी गिर रहा है, ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा आज का, कुछ सोचना पड़ेगा, शायद भाई से ही बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो बाहर हैं तो वो घर आएंगे तो शायद वो ले जाएंगे। और कपड़े देखो बारिश की वजह से कैसे सूख रहे हैं, बारिश में सबके घर का यही हाल होता है।
कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, और ये फ्लावर देखो कैसे लहर रहा है बारिश में। आई थिंक मुझे भैया से बोल देना चाहिए कि वो बाहर से आ रहे हैं तो लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हो रही हैं तैयारियाँ, नैंसी फुला रही है बलून्स और मैंने ये कट किए हैं और अब इस पे कुछ लिखना है तो सोचती हूँ क्या लिखना है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या लिखा है। ओ तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चल रही हैं और ये सब फैल के रखा हुआ है यहाँ पे। चलो फटाफट से कर लें क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9 और मैं इस समय हूँ अपनी रेड वाले गाउन में क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना था, आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना था जस्ट बिकॉज मैं बोलती नहीं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ।
अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।